हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो साथियों, एक और अभी टीके की नई इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। अभी आप लोगों को ये पता भी चल जाएगा कि कैसे, मतलब जो अपना टी आर्मी की जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो उसकी ओरिजिनल साइट पर कैसे आती है, तो वो उसका मैं अभी आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और इसका फोटो भी दिखा दूंगा आपको। तो उसमें क्या है, एक जो आर्मी ऑफिसर होते हैं यानी कि जो आर्मी से रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा से उनके लिए टीआरबी में भर्ती होने का एक मौका आ गया है। तो जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर, जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर कैसे नोटिफिकेशन आती है, तो उसको वो चेक बैक कर सकते हैं। साथ में कुछ काफ़ी बंदों ने, आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं प्यारे प्यारे से, उनका जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों, और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और इसमें बताऊँगा वीडियो के अंत में, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के साथ में बने रहें। क्यों, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से कोई भर्तियां नहीं निकल रही हैं, करीबन 2.5 साल हो गया, और बीते 2.5 साल से टीए आर्मी की कोई भी भर्ती नहीं निकली है, और करीबन 2-2.5 साल ही आर्मी की भर्ती भी हो गई है, आर्मी की भर्ती भी नहीं निकली है। तो हमारे जो नवयुवक हैं, नौजवान हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी दिन से वो भाग दौड़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी मुद्दा हासिल नहीं हो रहा है। तो आप लोगों से मेरी राय है कि आप लोग भी कोई छोटा मोटा अपना यूट्यूब चैनल बना लें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक नीलेश ब्लॉक है, वो भाई भी टीए की तैयारी करता है। एक रोशन आर्मी पॉइंट है, वो भी टी आर्मी की तैयारी करता है। तो आजकल सभी के पास मोबाइल होते हैं, तो आप भी अभी जब भी अपनी भाग दौड़ करते हो, तैयारी करते हो, तो तैयारी भी करते रहो और साथ में कोई छोटा मोटा ब्लॉग भी डालते रहो। क्या पता कब किसकी किस्मत चमक जाए और कब कोई सेलिब्रिटी बन जाए। कभी कभी क्या है, यूट्यूब चैनल किस्मत से भी चलते हैं कि कोई भी बंदा चलाता है और उसका वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। और भले ही आप नीलेश ब्लॉग से पूछ लेना उसकी, हालांकि वो टीए आर्मी की तैयारी कर रहा है, वैसे तो कोई बताता नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था कि उसमें कितनी अर्निंग होती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीलेश ब्लॉग चैनल की कम से कम 25 से लेकर के 35,000 के बीच महीने की अर्निंग 100% डेफिनेटली ये श्योर है। तो आप बने रहें वीडियो के साथ में। अभी बात करते हैं कुछ भाइयों के पॉइंट के बारे में और फिर बात करेंगे कि जो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे आई है और वो किसके लिए भर्ती है। तो बने रहें आप वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले एक भाई ने पॉइंट किया है, कार्तिक दास ने, जैन सर, सर टीए की ऑफिसर रिक्रूटमेंट में मैं अपना यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अलाउ है क्या? ओपन, यानी कि कहने का मतलब है इन्होंने किसी प्राइवेट कॉलेज से, ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तो वो जो ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए वो अलाउ है कि नहीं है? तो दोस्त, बिल्कुल 100% डेफिनेटली अलाउ है। आप किसी भी सिविल साइड से, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप अपने कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो वो आर्मी में भी या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में भी लागू है, 100% लागू है। अभी नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर मेरा एक सब्जेक्ट में 25 मार्क है, तो क्या मैं टीए आर्मी ट्रेडमैन में जा सकता हूँ? दोस्त, टीए आर्मी ट्रेडमैन हो या आर्मी का ट्रेडमैन हो, एक्चुअल में क्या होता है, किसी सब्जेक्ट में, किसी में हमारा एक में कम रह जाते हैं नंबर, ठीक है? तो उसमें जैसे किसी का 28 नंबर रह गए, किसी के 25 रह गए, किसी के 24 रह गए, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है उसमें पास मार्क लिखा होता है। तो अगर आपका जो मार्कशीट है आप पास हो गए हो और नेक्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई हो गए हो, तो आप बिल्कुल भर्ती देख सकते हो। और नेक्स्ट सवाल है, सर मेरी एज 26 है, मैंने ITI किया है, तो क्या मैं TA की भर्ती देख सकता हूँ? दोस्त, आपने ITI किया है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ITI किया है। हो सकता है उससे संबंधित कोई ट्रेड मिल जाए आपको, और वैसे भी ITI जिसने कर रखा है तो वो उसके जीवन में कहीं ना कहीं जरूर कोई काम आएगा, तो आप भी TA की भर्ती बिल्कुल देख सकते हो। सर, क्या फॉरेस्ट गार्ड से भी TA आर्मी में जा सकते हैं? दोस्त, फॉरेस्ट गार्ड से भी जा सकते हैं या किसी भी चीज़ से जा सकते हैं, बट आप फॉरेस्ट गार्ड में हो तो बहुत अच्छी बात है, आप जॉब लग रहे हो फिर भी जाना चाहते हो, तो उसको पहले आपको वहाँ से छोड़ना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, तब फिर आप TA की भर्ती देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, सर जी TA की भर्ती पेपर में आएगी, अच्छा एक वीडियो बनाइएगा। हम बिल्कुल भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी TA की भर्ती आएगी, वो किसी भी जोन की हो, फर्स्ट जोन हो चाहे सेकंड, थर्ड या फोर्थ हो, किसी भी जोन की भर्ती आएगी और हमें जब पता चल जाएगा कि हाँ ये रियलिटी वाली भर्ती है, तो उसके बारे में हम ज़रूर आप लोगों को वीडियो बना करके सूचित कर देंगे। डोंट वरी, आप अपनी तैयारी में तब तक लगे रहिए। अरे यार, ये फ़ोन भी हैंग हो गया लग रहा है। चलो अभी बात करते हैं। अभी इसमें लिखा है जॉन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर ओनली फॉर एक्स आर्मर्ड फोर्सेज कमीशन ऑफिसर, यानी कि दोस्तों जो आर्मी के अंदर से ऑफिसर जो पेंशन आ जाते हैं, जो भूतपूर्व ऑफिसर कहलाते हैं, उनके लिए भर्ती निकली है। इसमें मेल 6 है और फीमेल 1 है, यानी 6 फीमेल की मेल की भर्ती है और 1 फीमेल की भर्ती है।
और इसके लिए लिखा है तो कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी यानी ओनली एक्स सर्विसमैन ऑफिसर कैन अप्लाई, यानी जो एक्स सर्विसमैन ऑफिसर है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी दे रखी है यानी वो इंडियन होना चाहिए, और इसमें दोस्तों एज लिमिट वो भी उनकी भी सेम आपके बराबर ही है यानी कि 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फिजिकल स्टैंडर्ड ए कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट एंड ऑल रेस्पेक्ट और एम्प्लॉयमेंट गेनफुली एम्प्लॉयमेंट। इनका मतलब यानी कि एक तरह से पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब नहीं है ये, यानी कि वो और भी कहीं ना कहीं से उसका कोई इनकम का स्रोत है वो इसमें भाग ले सकते हैं, इस जॉब को, इस जॉब के लिए अप्लीकेबल हैं वो दोस्तों। तो उसका मैं अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वो देख सकते हैं। जैसे आप लिंक को आप खोलोगे, जैसे ही जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट खुलेगी तो इसके फ्रंट पेज में ही वो चीज़ आ जाएगी, फर्स्ट में ही चलती हुई रेगुलरली राइट से लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर इस तरह से मतलब सिर्फ ऑफिसर के लिए ही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आता है, बाकी जो हमारे जीडी सोल्जर हैं चाहे वो ट्रेड्समैन है चाहे जीडी क्लर्क्स है या वो कोई भी है, उनके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ऑफिशियल नहीं निकलती है दोस्तों। इसके लिए आपको जो लोकल न्यूज़पेपर हैं या आपका जो नहीं तो ये जो वीकली रोजगार समाचार आते हैं जो लोकल आपके एरिया के हैं वहीं पर आपको इसकी सच्ची जानकारी मिल पाएगी और कहीं से भी इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।